अगर उन्होंने किया है तो ये आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट की सर अंतिम रिपोर्ट को मनीष सिसोदिया ने गलत बताया है, कहा है कि ये बीजेपी की साजिश है, इसके लेकर सर आप क्या कहते हैं? ये तो और भी खतरनाक है, ये तो हो गया कि चोरी भी और सीना चोरी भी। मतलब ये जो मनीष सिसोदिया का अगर ये बयान है तो मैं समझता हूँ इंटरिम रिपोर्ट तो सबके पास है, आपके मोबाइल में भी, हमारे मोबाइल में भी है। तो ऐसे में ये कहना, उन्होंने तो शुरू में कह दिया कोई रिपोर्ट ही नहीं है, इट मीन्स ये लोगों को मौत के मुंह में भी ढकेले हैं। ऑक्सीजन के ऊपर इन्होंने पैनिक भी फैलाया, दिल्ली की मीडिया का दुरुपयोग भी किया और अब ये उसको सही करार करने में लगे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, दे निश्चित भी पद केजरीवाल ने कहा कि मैं 2 करोड़ लोगों के लिए ऑक्सीजन अपलोड मांग रहा था, लेकिन उनको कहना कि ये वो दे नहीं रहे थे। केजरीवाल ने कहा 2 करोड़ लोगों के लिए जो आवश्यकता थी वो 289 मीट्रिक टन थी, और जब दिया लेकिन आप 1150 मीट्रिक टन मांग के जो दूसरों का ऑक्सीजन छीन करके उनको मौत के मुंह में ढकेले हो, उसका जवाब पहले भी किया तो इस बार भी। सर, इस देखो आ जाना उसके मुंह कैमरे के आगे यार। के लोगों के लिए जो मैक्सिमम जरूरत थी वो 289 मीट्रिक टन गैस की ऑक्सीजन की थी, इन्होंने 1150 मीट्रिक टन मांगा, यही तो अपराध किया इन्होंने। दिल्ली को तो ऑक्सीजन मिलना ही चाहिए था और मिला ही, लेकिन उसके लिए तो जो इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी, ऑक्सीजन प्लांट लगाना, समय से बात करना, वो उन्होंने किया नहीं। जरूरत है 289 मीट्रिक टन, आपने मंगा लिया 1150 मीट्रिक टन। गुलेरिया जी को मैं जानती नहीं हूँ, क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन दिल्ली के रिहायश होने के नाते मैं ये जरूर जानती हूँ कि जिस समय 900 और 1100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मुझे मांग रहे थे और 770 मैट्रिक टन का ऑर्डर कोर्ट ने किया था, तो 770 मैट्रिक टन ये अपने सिर पे धोने वाले थे या कट्टे में बंद करने वाले थे, कहाँ रखने वाले थे ये 770 मैट्रिक टन, क्या व्यवस्था की थी इन्होंने 770 मैट्रिक टन, ये बताएं कि जब दिल्ली की सांसों की बात होती है, दिल्ली की सांसों में जब दिल्ली हॉटस्पॉट था तो मुख्यमंत्री कहाँ था, बताएं कि बंगाल की बात क्यों कर रहा था उस टाइम, बंगाल तो हॉटस्पॉट नहीं था। ये बताएं कि कितने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इन्होंने, इनके आदमियों ने ब्लैक मार्केटिंग किए, क्योंकि 7000 जो कॉन्सेंट्रेटर है वो कहीं और नहीं बल्कि इनके पहचान वाले व्यक्ति के घर से निकले हैं, और 7000 जो ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी उसके लिए दिल्ली सरकार ने कोई नियम कानून और अन्य व्यवस्था जिसको जानते थे उस पर क्या कार्रवाई की। ये बताएं कि इनके एमएलए के घर से 700 सिलेंडर क्यों पकड़े गए, ये बताएं कि दिल्ली में हाय तोबा मचाकर दिल्ली की जनता को गुमराह कर जब ऑक्सीजन चिल्लाना शुरू किया, तो ऑक्सीजन को जब ऑक्सीजन आपके बॉर्डर्स पर दिल्ली पहुंच गई, किस किस अस्पताल में और कहां का उसको लेकर जाना है, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं थी, ये बताएं कि जब 770 मैट्रिक टन का ऑर्डर इन्होंने झूठे एफिडेविट पर कोर्ट से ले लिया और कोर्ट ने 770 मैट्रिक टन दिल्ली को एलोकेट करने के लिए ऑर्डर कर दिया, तो बताएं कि वो 770 मैट्रिक टन आने के बावजूद वो वापस क्यों करनी पड़ी, कहां रखते उसको, वो तो बताएं, भूल जाइए रिपोर्ट, मुझे जवाब चाहिए इन सब बातों के ऊपर। ये सब इनके अनगिनत पाप है और इन पापों की सजा इनको कोर्ट भी देगा और इन पापों की सजा दिल्ली भी देगी और भगवान भी देगा। मैम, आप लड़ाई को आप कहां तक ले जाएंगे, आप
जहाँ इसका मुकाम हो इनको सजा मिलनी चाहिए जी। ये क्रिमिनल एक्ट है। एक दो तरीके के एक्शन होते हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस नाम की चीज अपराध है और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। झूठा एफिडेविट कोर्ट में फाइल करना अपराध है। उस एफिडेविट के रहते कोर्ट को ऑर्डर कर दे जिसकी वजह से अन्य राज्यों में ऑक्सीजन की तकलीफ हो, वो अपराध है। उन सब मौतों के लिए आप जिम्मेवार हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की घटिया राजनीति उन्होंने की जिसका कोई अंत नहीं। घटिया राजनीति करने के बाद ये कहते हैं हम मिलजुल के काम करेंगे। अरे मिलजुल के काम तो कब करना था, करते ही आप काम नहीं थी। अब क्या मिलजुल के काम करेंगे, वही 1031 लगाओगे जब सब जगह, जब ऑक्सीजन जब दिल्ली को जरूरत थी आपकी हेल्पलाइन की तो आप मिसिंग के हेल्प करने के नाम पर हेल्पलाइन के एडवर्टाइजिंग पोस्टर के नाम से पैसा उड़ाने का काम करते हो। चोरों के साथ क्या मिलजुल के काम होगा, कोई धंधा सेट करना है हमें। आज इस धरने के माध्यम से, मीडिया के सम्मानित साथियों के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमें जन जन तक ये बताना होगा बिल लेवल की सौदागरी किसने करी, ऑक्सीजन की कृत्रिम डिमांड किसने पैदा करी और ऑक्सीजन के पीछे दफ्तर बदलने के लोग दिल्ली को शमशान नगरी में बदलने का काम किसने करा, किस केंद्र